स्वागत है आपका दीवटेक में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सर्विस आपको मिलती है वो मिलती है आपको सीएससी आईडी में। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें उससे ज्यादा सर्विस वाली आईडी के बारे में, जहां पे आपको सबसे ज्यादा सर्विस मिले, यहां पे आपको वो सभी सर्विस मिले जो आपको सीएससी आईडी में मिलती है बिना किसी टीसी सर्टिफिकेट के और बिना किसी सर्टिफिकेट के, जिसमें आपको आधार का भी काम मिल जाता है। यहां पे आपको आधार का भी काम मिलता है, ऑनलाइन शॉपिंग का भी काम कर सकते हैं, टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं और यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, एडमिशन का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, ई एप्लीकेशन का काम मिलने वाला है, उसके बाद रिचार्ज का काम मिलने वाला है, पासपोर्ट का काम मिलने वाला है और एजुकेशन का काम मिलने वाला है, उसके बाद पेंशन स्कीम का काम मिलने वाला है, वृद्धा पेंशन स्कीम, विकलांग स्कीम, ये सभी से आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पैन कार्ड बना सकते हैं, वोटर आई कार्ड बना सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आयुष्मान भारत का भी काम मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों ये आईडी लेना है तो इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ती है और ना ही यहाँ पे कोई चार्ज लगता है, बिल्कुल फ्री में ये आईडी आपको मिलने वाली है। और इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विस वाली कोई आईडी की अगर हम बात करें तो यही सर्विस आगे चल के होने वाली है। किसी को पता नहीं है इस सर्विस के बारे में, जहां पे आपको इस पोर्टल में इतनी सर्विस मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है, ये काम आप अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे आना है और इंडिया सर्विस, इंडिया में सबसे ज्यादा सर्विस, तो इंडिया सर्विस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पे इंडिया सर्विस सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ पे आपको इंडिया सर्विस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आ जाता है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई पोर्टल है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं service.india.gov.in। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद इस सर्विस का आप यूज करके भी आपको दिखाएंगे कि सर्विस का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको आधार का काम लेना हो तो उसके लिए सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें सर्विस की, तो सर्विस आपको इतनी मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लगभग आपको 12,330 सर्विस मिलने वाली है, जहां पे आपको अगर आप आधार का काम यहाँ पे करते हैं उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता है, पैन कार्ड का भी काम करते हैं उसके लिए भी आईडी लेने की कोई भी चार्ज नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री में आपको ये आईडी मिल जाती है। यहाँ पे अगर फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 121 सर्विस मिलने वाली है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें तो 100 से ज्यादा सर्विस यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे 71 सर्विस आपको मिलने वाली है। अगर 60 सर्विस की बात करें तो पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंस एंड पेंशन की सर्विस यहाँ पे मिलने वाली है। 46 सर्विस आपको एजुकेशन की मिलने वाली है, आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री अफेयर्स की मिलने वाली है 41 सर्विस, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिलने वाली है 40 सर्विस। अगर बात करें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तो यहाँ पे आपको 36 सर्विस मिलने वाली है, रेलवे की सर्विस मिलने वाली है वो 35 सर्विस यहाँ पे मिलने वाली है। इन सभी सर्विस का आप यूज सिर्फ एक ही आईडी में कर सकते हैं, एक ही पोर्टल में कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है service.india.government.in। ठीक है, तो इस सर्विस का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ऑल कैटेगरी पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑल कैटेगरी आप देख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल एंड लर्निंग के सिस्टम की काम मिलने वाली है, उसके बाद हेल्थ एंड वेलफेयर के काम मिलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड बिल पेमेंट का काम मिलने वाला है, मनी एंड टैक्स का काम मिलने वाली है, जॉब जस्टिस और यहाँ पे टूरिज्म की काम मिलने वाली है, ट्रांसपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, चाइल्ड केयर, ये सभी आपको यहाँ पे वर्क मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको यहाँ पे पैन कार्ड बनाना है या आधार कार्ड बनाना है या किसी आईडी का यूज करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे काम करना है पैन कार्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे पैन और यहाँ पे पैन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा सर्च हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने पैन कार्ड लिखा, आप देख सकते हैं सर्विस में यहाँ पे आपको सर्च लिस्ट में, तो यहाँ पे पैन आपको यहाँ पे जितने भी काम होते हैं पैन कार्ड का काम वो सभी आपको मिल जाता है। यहाँ से आप पैन कार्ड में आधार कार्ड भी लिंक करने का काम आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड बनाने की भी आपको सर्विस मिल जाएगी, राशन कार्ड बनाने की सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे आप और क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे
पैन कार्ड की सर्विस मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैन कार्ड की सर्विस नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अप्लाई फॉर आधार कार्ड, ठीक है, डायरेक्ट आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई का यहाँ पे डाला है, तो ये पहले हम पैन कार्ड देख लेते हैं कि पैन कार्ड का यहाँ पे काम हमें मिलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है अप्लाई फॉर पैन कार्ड, ठीक है, ऑनलाइन। तो यहाँ पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। और फिर यहाँ पे और भी राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट राशन कार्ड, ओरिजिनल राशन कार्ड, सभी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें पैन कार्ड बनवाना हो तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा पैन कार्ड की सर्विस जो है वो यहाँ पे आ जाती है onlineservice.in। ठीक है, तो ये आपका NSDL से पैन कार्ड बनेगा जो आपको 5 मिनट में बन जाता है। यहाँ पे ये भी बताएंगे आपको पैन कार्ड बनाने के लिए कोई ID चालू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी से काम कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड लेने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप इसी से काम कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे दोस्तों देखेंगे यहां पे आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये एकदम हल्का है, क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो पैन कार्ड आप सिर्फ 5 मिनट में बनवा सकते हैं। और पैन कार्ड बनाने के साथ साथ आपका पैन कार्ड जो है वो 5 मिनट में आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाता है। सिंपल स्टेप है, आप इसको भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में पूछता है तो यहाँ पे न्यू पैन कार्ड बनाना है या पैन कार्ड में चेंज करना है। यहाँ पे अगर आप फॉरेन है तो जैसे कि NRI है तो यहाँ पे NRI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडियन सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी पे आएंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, या ट्रस्ट है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल में आपको श्री में, जैसे कि आपका अगर शादी हो चुका है लड़की है या तो आपको श्रीमती या कुमारी डालनी पड़ेगी। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो कुमारी डाल सकते हैं, अगर लड़की है शादी हो चुका है तो श्रीमती डाल सकते हैं, अगर आप लड़का है तो श्री डालना आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर दे दिया गया है, रेड स्टार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है और लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, मिडिल नेम हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, आपको सेलेक्ट करके ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही नहीं डालते हैं, 5 मिनट में नहीं मिलता है, आपके घर पे आएगा लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ से कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। आपको अपना आधार नंबर डालना है, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, ₹107 में पैन कार्ड बन जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आधार कार्ड के, तो आधार कार्ड के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों देख सकते अप्लाई मैंने पैन कार्ड का लिखा तो यहां पे आधार कार्ड अप्लाई का भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहां पे आ जाएंगे, यहां से आप सभी काम कर सकते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट का काम आपको कैसे मिलेगा यहां पे, अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट का काम चाहिए वो भी आपको वर्क मिल जाता है। ये पोर्टल का यूज अभी इंडिया में सभी लोग कर रहे हैं, जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि सीएससी से ज्यादा सर्विस है, 13,330 सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इनरोलमेंट, जैसे कि आधार कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट का काम आपको मिल जाता है, जहां से अगर आप आईडी प्रूफ में, जैसे फोटो आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड है और आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये भी यहां पे दिया गया है कि आप पैन कार्ड से भी आधार कार्ड बना सकते हैं या बिजली बिल से भी आधार कार्ड बना सकते हैं या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ से आप यहां पे आधार कार्ड बना सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, यहाँ पे राशन कार्ड हो गया, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट है उससे आप आधार कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये गड़बड़ है, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस है, यहाँ पे दिया गया है हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली के, जैसे कि आपका आधार कार्ड पहले से नहीं है तो आप अपने फैमिली के आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट से भी आप अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जैसे आधार कार्ड में आपको कौन कौन सा काम मिल रहा है, तो जैसे कि आप नाम यहाँ पे आधार कार्ड में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नाम में अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जेंडर आप लिंक कर सकते हैं या चेंज कर सकते, जेंडर आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। अगर जेंडर चेंज करने का, जैसे कि आपका पहले वाले में गलती हो गया है तो दूसरे वाले में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। डेमोग्राफी अपडेट की बात करें तो ये हमारा डेमोग्राफी अपडेट हो जाता है। ठीक है, अगर आप बायोमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थंब इंप्रेशन चेंज कर सकते हैं, IRIS स्कैन कर सकते हैं। छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाना होगा तो ये भी 0 से लेकर 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड का काम यहाँ से मिल जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे BPL राशन कार्ड, बहुत सारे काम आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आपको पता है कि
कि अगर आपको यहाँ पे ये काम तो मिलता ही मिलता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बहुत सारे वर्क आपको मिलते हैं, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर हम आपको बता दें तो इंडिया में जितने भी वर्क होते हैं वो सभी काम आपको यहाँ पे मिल जाता है, या लिंक करने का हो गया, या पेंशन, या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का काम, तो ई डिस्ट्रिक्ट का काम के लिए यहाँ पे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट का काम चाहिए तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आप बिहार लिख के और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का वर्क मिल जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट में 121 काम बिहार में है, ठीक है। अगर आपको झारखंड में वही काम चाहिए तो झारखंड में जितने भी वर्क होगा, हरियाणा में जितने भी वर्क होगा, वो सभी वर्क आपको मिल जाते हैं। जैसे बिहार में 121 था तो झारखंड में जितना होगा वो जैसे कि 134 झारखंड में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया, उत्तर प्रदेश में कितना है तो 83 सर्विस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप सर्विस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस सर्विस का यूज करने में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में इन सभी सर्विसों का आप यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे काम मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको और भी कोई काम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पेंशन का काम चाहिए, जैसे पेंशन आप कैसे केवाईसी कर सकते हैं पेंशन का, या पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत आप यहाँ पे केवाईसी करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीएम किसान समृद्धि योजना वाले यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। मार्केट में आपको 50 रुपया लगता है, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करना आपके लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप ई केवाईसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ई केवाईसी का काम चाहिए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से ई केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाता है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो भी आपने पीएम किसान में दिया होगा वो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पे अपना आईडी, अपना केवाईसी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इन सभी सर्विस का आपने यूज किया या नहीं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।